नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ रैनो में। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने महिलाओं से राज्य में अफीम की खेती और समाज से परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा मादक पदार्थों के उपयोग को हतोत्साहित करने का किया आह्वान। कहा, विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ रही है महिलाओं की भूमिका। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मणिपुर सरकार ने मणिपुर सेक्टर से लगने वाले भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किया सील। राज्य पुलिस, जिला प्रशासन, असम राइफल सहित सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश। देश भर में आज रंगों के त्योहार होली की धूम। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए समाज में सुख, शांति और समृद्धि की कामना। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने महिलाओं से राज्य में अफीम की खेती और समाज से परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा मादक पदार्थों के उपयोग को हतोत्साहित करने का आह्वान किया है। राजभवन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि समाज में बदलाव लाने में महिलाओं की अहम भूमिका है और उन्हें इस दिशा में सतत प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल ने महिलाओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निःशुल्क करने की वकालत की। खुशी हो रही है, मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, हमारे पुलिस के डीजी साहब ने यह शुरू किया है कैंपेन कि पॉपी, जिससे वो ओपियम बनती है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो। उसमें हमारी महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं, महिलाएं आगे आके पॉपी का डिस्ट्रक्शन कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक सोशल कैंपेन चले महिलाओं के जरिए और डी एडिक्शन या एडिक्शन की तरफ न जाए बच्चा, उस पर कोशिश करें। और अगर आप ये लोग सभी लेडीज, हमारी बेटियां अपने भाई को, हमारी बहनें अपने भाई को, हमारी माताएं अपने बच्चों को बताएंगी कि एडिक्शन का फ़ायदा तो छोड़ो, नुकसान बहुत है, तो शायद इसमें कामयाबी मिलेगी। आईआरबीएन की 5वीं बटालियन की कमांडेंट ईशा पांडे ने महिलाओं से अपने साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ न्याय के लिए ठोस सबूतों को अदालत में पेश करने के लिए जागरूक होने को कहा। अरुणाचल राइजिंग अभियान के तहत महिला दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जागरूक महिलाएं दुनिया में आगे बढ़ने के अलावा घरेलू हिंसा या किसी भी तरह के अपराध के खिलाफ प्रभावी तरह से लड़ सकती है। जहाँ पे हम विजिबल होते हैं और हम किसी भी तरह के क्राइम के पार्ट बन सकते हैं, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट को समझना सबसे पहले जरूरी है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या। अगर वो नहीं नहाती तो उसकी नेल्स के अंदर जब स्ट्रगल हुई होगी रेप के समय, तो उसका जो अपर लेयर होती है स्किन की, उसके कुछ ना कुछ टुकड़े रह जाते हैं या उसकी बॉडी पे सलाइवा रह जाता है या सीमन रह जाता है जिसमें कि डीएनए होता है। डीएनए बहुत, या बाल हो सकते हैं, प्यूबिक हेयर हो सकता है, जिससे कि बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस मिलता है कि उसी का डीएनए है जिस आदमी की बात हो रही है। ओके, दूसरी बात थी जो मैसेजेस और फोन पे थे उसने जो डिलीट किए, वो डिलीट करने के बाद अब उसके पास कोई सबूत नहीं रह गया। अगर वो नहीं डिलीट करती तो वो सारा सबूत वो पुलिस को दे सकती थी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट लूज पर्सपेक्टिव। अगर आपके साथ ये अपराध हो जाता है, देखिए अगर आप जिंदा बची हैं तभी आप ये सब कर पाएंगे, वरना रेप बहुत वायलेंट क्राइम है। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रेप सर्वाइवर्स एट ऑल, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपनी सहेली को बता सकती है कि भाई ये स्टेप्स हैं, ये करने हैं और ऐसे ऐसे हम कन्विक्शन की तरफ जा सकते हैं। पुलिस अगर आपकी बात नहीं समझ रही है, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस उतनी वेल ट्रेंड नहीं होती है, प्रॉब्ली आप पुलिस से ज़्यादा एजुकेटेड होंगी, तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप पुलिस को बता सकती हैं कि ये करना है। आप बहन के लिए बता सकती हैं या किसी फ्रेंड के साथ अगर कभी कुछ ऐसा हुआ है। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM और अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ASRLM के अंतर्गत राज्य में महिलाएं स्व सहायता समूहों का गठन कर एक दूसरे के लिए रोजगार अवसर पैदा कर रही है। आपसी मेल जोल के साथ काम करने से एक तरफ जहां कामगारों का समस्या का समाधान हुआ है, वहीं वे एक दूसरे को सहायता कर पा रही है। लोअर सुबनसिरी जिले के याजाली में 13 ब्लॉकों के महिला स्व सहायता समूहों के सम्मेलन के दौरान एक सदस्य ने बताया कि ग्रामीण आजीविका मिशन से प्रदेश के गांवों में महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक हो रहा है। सर्विस करके एक दूसरे को मदद करता है, तो एक दूसरे को अभी हम लोग किसी का खाने के लिए तकलीफ नहीं है उसे भी हम लोग चावल डोनेट करते हैं, और किसी का मेडिकल का प्रपोजेस प्रॉब्लम होता है उसे भी हम लोग एक दूसरे को मदद करके एक ग्रुप में और अपना गांव का सोशल सर्विस और अपना गांव में जो भी कमी है तो उसमें हम लोग स्कूल में हो या आंगनबाड़ी जो भी है सोशल सर्विस करके अपना गाँव के लिए डोमेस्टिक जो भी प्रॉब्लम होता है मेमोरी तो हम लोग अन्य लोग से यहाँ सबमिट करने वाला मेन अपना हर एक ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट में गायनोलॉजिस्ट का पूरा इंस्ट्रूमेंट का साथ में डॉक्टर होना चाहिए। उसके बाद हमारे जो PDS का जो सामान थोड़ा ये जो 30 किलो आता है उसे 25 देते हैं, उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है उसका है। उसके बाद इसमें यहाँ जितना भी आने का ये पॉइंट है कि एक वेटनरी प्लेस होना चाहिए हम लोग का अरुणाचल में, और या जितने भी अरुणाचल में कितने एक कॉलेज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी है आने लोग का ये दुख तकलीफ ना जो भी है, और इसमें अपना SSG में अपना गांव में जो भी अपना गांव में जो पंचायत होता है तो उसमें हम लोग एक SSG का मेंबर उसमें आने लोग अटेंड करना चाहिए। कोई आने लोग आज भी नहीं जान के बैठा हुआ है उसे भी हम लोग जो थोड़ा मोड़ा हम लोग जानते हैं एक्टिव मेंबर है जो भी LS कैडर है वो सब हम लोग जाके उसको भी हम लोग और भी आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, और अपना गाँव को जैसे चेंज करना है अपना गाँव को जो भी हो हर एक बच्चे जो ये ड्रग्स एडिक्ट में है जो भी है उसको धीरे धीरे हम लोग कदम उठाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे अपना गाँव के लिए। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मणिपुर सरकार ने मणिपुर सेक्टर से लगने वाली भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया है। राज्य के गृह विभाग के एक आदेश में कहा है कि म्यांमार से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। मोरे शहर के गेट नंबर 1 और 2 तथा मणिपुर सेक्टर के पास अन्य सीमा चौकियों पर आवागमन बंद कर दिया गया है। राज्य पुलिस, जिला प्रशासन, असम राइफल्स और सीमा शुल्क सहित सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिए गए हैं। म्यांमार के साथ मणिपुर की सीमा लगभग 400 किलोमीटर लंबी है। म्यांमार की सीमा कोरोना ग्रस्त चीन से लगती है। राज्य सरकार ने COVID-19 की जाँच के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में केंद्र बनाए हैं और अन्य एहतियाती उपाय भी कर रही है। नोवल कोरोना वायरस से जूझ रहे ईरान से 58 भारतीय श्रद्धालुओं को लेकर भारतीय वायुसेना का एक सैन्य विमान आज सुबह गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। इन यात्रियों की चिकित्सा जांच की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में सहयोग के लिए ईरान में भारतीय दूतावास के अधिकारियों, वहां गए भारतीय चिकित्सा दल और भारतीय वायुसेना के अलावा ईरान के अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया है। श्री जयशंकर ने कहा है कि सरकार ईरान से अन्य भारतीयों को लाने पर भी काम कर रही है। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से कई देशों की सरकारों द्वारा अपने नागरिकों को भ्रमण न करने की एडवाइजरी जारी करने के बाद पर्यटन पर बुरा असर पड़ा है। देश के कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या घटने से स्थानीय रोजगार प्रभावित हुआ है। राजस्थान के जयपुर में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि पर्यटकों की संख्या में करीब 40% की कमी आई है और इस बीमारी का संक्रमण रुकने से ही स्थिति सामान्य होने की संभावना है।
Our business is like a wall of glass, and a small stone can break whole wall. So this kind of news coming from everywhere, from international media, domestic media. So of course this year we have almost 40 to 45% cancellations. Personally, my three groups of the march cancelled already. Honestly, I think it's just a panic. Of course, any tourist, any traveler, you need to be more responsible about it. Where you go, you know, like maybe bringing masks in crowded places. But at the end of the day, you cannot let such thing just take over your life and just stop everything that you're planning to do. And I try to enjoy this holiday. But yesterday we heard that our trip to Bhutan was cancelled, so Corona is well in our head. ये हमारे जो पर्यटकों पर जो यहाँ का आवागमन है वो लगभग 30 से 40% कम हो गया है. लेकिन इसमें अभी यहाँ हमारे यहाँ इस तरीके कोई स्थिति देखने को नहीं मिली है और हमें अपेक्षा करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इस चीज से हम मुक्ति पा करके हमारे टूरिस्ट की आवागमन अधिकता बढ़ेगी. रंगों का त्यौहार आज पूरे देश में मनाई जा रही है. ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत और बसंत के आगमन का प्रतीक है. इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को होली की बधाई दी है. एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि रंगों का ये त्यौहार जाड़े का अंत और बसंत की शुरुआत का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि होली अपने विभिन्न रंगों के साथ विविधता और बहुसांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करती है. राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की है कि ये त्यौहार राष्ट्रीय मूल्यों में विश्वास और लोगों के बीच आपसी सद्भाव को बढ़ावा देगा. कोविड-19 के संक्रमण के चलते इस बार होली के उल्लास पर असर पड़ा. एक जगह अधिक लोगों को एकत्र न होने के केंद्र की सलाह का असर होली पर्व पर देखा गया. उससे 50% या 60% आदमी कम हो गया है. ये पोजीशन है, ये हकीकत है. जबकि हम लोग चाइना ने दिल्ली का टोटल माल बेच रहे हैं. हाँ जी, थोड़ा बहुत दिख रहा है. हमारे कोई फ्रेंड्स भी हमें मना कर देते हैं कि नहीं, अभी वायरस का बहुत चल रहा है तो इसलिए थोड़ा मना कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स भी, बट हम फिर भी बना रहे हैं. मैं कहा चलो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो त्यौहार तो बनाना ही है. फेस्टिवल तो साल में एक बार ही आता है. रंगों का त्यौहार होली आज राज्यभर में परंपरा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है. इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और शुभकामनाएं दी. राज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए समाज में सुख शांति और समृद्धि की कामना की है. उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे मैत्री और भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए काम करें. उन्होंने ये आशा जताई है कि ये त्यौहार लोगों के बीच की दूरी को कम करेगा और एक दूसरे के बीच समृद्धि, शांति, खुशहाली, सौहार्द और उल्लास का आदान प्रदान करेंगे. अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में पत्रकारों ने होली मनाई और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर दूरदर्शन कॉलोनी ईटानगर में अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे के गले मिलकर शुभकामनाएं दी. अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2019 के सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया, जबकि महिला टीम की कप्तान रानी को साल के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया. मनप्रीत और रानी को ट्रॉफी के अलावा 25-25 लाख रुपए की इनामी राशि मिली. दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री किरण रिजिजू मौजूद थे. इस अवसर पर भारतीय खेल प्राधिकरण को अमूल्य योगदान के लिए हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार और खेल तथा युवा सेवा विभाग ओडिशा सरकार को हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ अवार्ड फॉर अचीवमेंट 2019 प्रदान किया गया. ओलंपिक्स के बाद लगातार दूसरी बार ऐसा हमको मौका मिल रहा है. अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से मैं जो कह सकता हूँ कि
जो टॉप फोर टीम है भारत से आगे तीन टीम जो है, मुझे तो लगता है कि रैंकिंग का तो चलो वो टेक्निकल चीज है, लेकिन मेरे हिसाब से तो भारत नंबर वन है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।